हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका एक बार स्वागत करते हैं। मैं हाई स्कूल से जुड़ी हुई साइंस यानी विज्ञान की एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पहले पार्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन इतने क्वेश्चन में से आपको आने हैं आपके पेपर में। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को लंबा ना करें, इसलिए हम वीडियो को जल्द ही स्टार्ट करेंगे। और मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, जो भी आप सब हैं, अगर आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको पैसा कोई नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, और अच्छा वीडियो लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। और हाई स्कूल से जुड़ा हुआ आपके घर में या आप है कोई भी है, तो आप ये विज्ञान के विषय में आपको काम आएगी हर एक परीक्षा में। तो इसमें हम हाई स्कूल के NCERT बुक से पहले पार्ट का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लाए हैं, और इसके बाद दूसरे पार्ट का लाएंगे। और इसी तरह ये आपका फिजिक्स पार्ट का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है तो आपका फिजिक्स पार्ट का है। इसके बाद केमिस्ट्री का भी एक एक पार्ट लेकर सभी का आपका पूरा साइंस ख़त्म करेंगे। इसी तरह मैथ के भी चैप्टर चालू है, मैथ जाके वीडियो आप देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट की एक एक वीडियो मिलती रहेंगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब लीजिए। हाई स्कूल इंटर संबंधी आपको NCERT से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिलेगी, मोबाइल कंप्यूटर संबंधी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन, हमने इसका PDF भी बना लिया है। आपको PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। पर वीडियो में समझ नहीं आएगा तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वीडियो पूरा शुरू से अंत तक आप देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो में आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वायु में जलाने पर पहले मैग्नीशियम को फीते को साफ क्यों किया जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वायु में मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। इसका आंसर आपको ये है कि मैग्नीशियम की अपक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम की जो अपक्रियाशीलता होती है, जो अपक्रिया करने की इसकी क्षमता होती है, जो एक्टिव पदार्थ होते हैं इसमें जो भी, तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं। अब क्रियाशील बहुत तेज होते हैं, तो वायुमंडल में जब ये आपस मिलते हैं तो ऑक्सीजन और नमी से अपक्रिया करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। मैग्नीशियम अगर आपका ऑक्सीजन से मिलेगा तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेगा। तो इस तरह से आपका मैग्नीशियम धातु जो है, जलाने से पहले इसे रेत पत्र से रगड़ कर हटाना आवश्यक है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि सामने आपका है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। तो आपको इसका संतुलित समीकरण लिखना है। इसका तो संतुलित समीकरण हम बराबर समझाएंगे आपको, एक संतुलित समीकरण का हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में, क्योंकि संतुलित समीकरण आपके परीक्षा में ज़रूर एक आएगा, तो उसका आपको नंबर ज़रूर हम दिलवाएंगे। बस आपको वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल पर आप बने रहिए। आपको हम संतुलित समीकरण का एकदम आसान से हाई स्कूल लेवल की संतुलित करने की समीकरण बताएंगे, आप पक्का हल कर लेंगे। कुछ भी आपको ना आता हो तब भी आप दो नंबर ले कर रहेंगे। तो इसके लिए आप प्लीज़ आप अगला वीडियो वेट करते रहिए। इसको हम संतुलित समीकरण इसमें नहीं बताएंगे, वीडियो में संतुलित समीकरण हम नहीं बताएंगे। अगर आप समझना चाहते हैं तो PDF की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड करके आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन और संतुलित समीकरण वीडियो मिलेगी, वो पक्का आपको बता देंगे एकदम आसान तरीके से। हम 10th लेवल ही बताएंगे, इंटर और ये सब लेवल नहीं बताएंगे। 10th लेवल में क्या आपको करना है बस वही बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए।
जल में बेरियम क्लोराइड सल्फेट के विलयन की क्रिया करके और सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इनका अभिक्रिया देना है आपको। ये अभिक्रिया जब संतुलित समीकरण हम बताएंगे उसी में आपको समझ में आ जाएगा, तो उसको आप वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें से आपका दो नंबर काम मिल जाएगा आराम से। तो उसी से रिलेटेड है, इसको हम आगे भी इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें बताने का मतलब है आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो क्या मतलब है। इसलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो वो वीडियो देखिएगा जरूर जो अगली वीडियो आएगी। चार नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, पदार्थ का नाम इसका सूत्र लिखिए, उपरोक्त लिखे गए यक्ष की तरफ क्रिया करता है। तो यक्ष का नाम और इसका सूत्र लिखना है, जो यक्ष है उसका नाम और सूत्र लिखना है। यहाँ पर CaO नहीं है, जो यक्ष का नाम और सूत्र लिखना है। तो चूना तथा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। CaO का मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको जल के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो आपका ये इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस उष्मा निकलेगी तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, इधर आपका बिना बुझा हुआ चूना रहेगा, उधर बुझा हुआ चूना बनेगा। तो इस तरह से है। पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि, ठीक है। तो ये है पाँचवा क्वेश्चन, जल की विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है कि जल के संगठन से हमें ये पता चलता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है, यानी 2:1 का होता है। तो यदि यही कारण है, अगर इतने रेशियो में होता तो यही कारण कि जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 और O2 का इसका अनुपात यही रहता है, अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन दुगनी होती है। यानी इसका कोई भी अनुपात निकाल लेंगे तो जल चाहे जहाँ भी रहेगा तो आपको ये अनुपात यही मिलेगा 2:1 का। कहने का मतलब ये ऑक्सीजन आपका, हाइड्रोजन आपका दोगुना ही रहेगा, ऑक्सीजन से दोगुना ही रहेगा। तो यही आपको सिद्ध करना था, ये बताया। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका सामने है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। लोहे की कील जो होती है, अगर उसको कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो उसका रंग इस तरह क्यों हो जाता है, इसको बताना है। तो लोहा कापर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है, जब लोहे की कील को कापर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कापर को विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी लोहा जो होता है वो कापर के विलयन को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है। इसका रंग हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सात नंबर क्वेश्चन है, एक द्वि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण दी, द्वि विस्थापन की अभिक्रिया का द्वि विस्थापन क्या है, इसके लिए आपको संक्षेप में टिप्पणी मिल जाएगी, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये समीकरण जो है बहुत बताने में टाइम लगेगा, समीकरण हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसमें समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। समीकरण के लिए बता रहे हैं, अगली वीडियो एक लेकर आएंगे उसमें आपको समीकरण बताएंगे। ये है कुछ समीकरण, देखिए इसमें सत्य असत्य की बात कही गई है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये इधर संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित समीकरण क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणु संख्या समान होती है, लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, अर्थात रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। तो ये संतुलित समीकरण जब हम बताएंगे उसमें इसकी परिभाषा वो क्या है उसको हम समझा भी देंगे। खैर इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन है सामने आपके, और ये निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए, संतुलित करना है। ये संतुलित करने वाली समीकरण को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पूरा पूरा। संतुलित समीकरण ध्यान में रखिएगा, ये पूरा पूरा हम बता देंगे, ओके ये पूरा बताएंगे, बस आप अगली नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा। इसके बाद आपका संतुलित समीकरण ये भी है, इसको छोड़ देते हैं, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषी अभिक्रिया आपको याद करके रखना है। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है कि जिन अभिक्रियाओं को उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, अगर उष्मा का उत्सर्जन हो तो उष्मा क्षेपीय होगा, और उष्मा का शोषण हो, शोषी उष्मा शोषी, और शोषी यानी शोषण हो
अवशोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण हो तो उन्हें ऊष्मा अवशोषी कहेंगे, इसी से आप बना सकते हैं। और सीधा इसमें दिया गया है, ये समीकरण आपका है कि ऊष्मा इसमें खत्म होती है उसमें। अगला क्वेश्चन है सुश्वसन को ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया है। ग्लूकोज के उपचयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए। एक लिए क्वेश्चन है वियोजन अवक्रिया को संयोजन अवक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अवक्रियाओं को लिए समीकरण लिखिए। ये आपके वियोजन अवक्रिया की समीकरण है, इतने लंबा है कि हमें पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन बता दें कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये विस्थापन और द्विविस्थापन अवक्रियाओं में क्या अंतर है? द्विविस्थापन और विस्थापन आ गया ना, तो विस्थापन अवक्रिया ये है कि इसमें विस्थापन अवक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, एक तत्व दूसरे तत्व को। जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो यौगिकों के मध्य आयन का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन या के दो यौगिक होंगे, दोनों के मध्य आयनों का जो होता है आदान, यानी आयन लेंगे देंगे। लेकिन विस्थापन अवक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व के लवण को विलयन से विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा, तो ये होता है विस्थापन। और समीकरण दिया गया है इसमें। इसके बाद अवक्षेपण अवक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अवक्रिया है, इससे आप क्या समझते हैं? तो ऐसी अवक्रिया जिसमें कि ठोस से अभिलेय पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अवक्रिया कहलाती है। यानी अवक्षेपण अवक्रिया वो है जिसमें कि किसी ठोस अभिलेय पदार्थ को अगर विलयन या कुछ भी बना जाए तो अवक्षेप का निर्माण होता है, तो अवक्षेपण अवक्रिया कहलाती है, यही अवक्षेपण अवक्रिया। इसके बाद आपका टिप्पणी थोड़ी छोटी है उपचयन और अपचयन पर। उपचयन क्या है कि जिसमें उपचयन वो ऐसी अवक्रिया है कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी उपचयन अवक्रिया, ऑक्सीकरण अवक्रिया, ऑक्सीजन जो है उसमें जुड़ता है। तो इसमें अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन निकलता है, कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसमें ऑक्सीजन उसमें आपका मिलता है, जुड़ता है, आता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन आपका निकलता है, कम होता है। तो इस तरह से उपचयन और अपचयन अवक्रिया थी। इसके बाद एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? पेंट करते हैं कि जिससे कि संक्षारण न हो उसका, यानी कि जंग न लगे इससे, क्योंकि जंग लगने से, जंग लगना कहने का मतलब संक्षारण कहलाता है। संक्षारण क्या है कि इसमें ऑक्सीजन और ये नमी सम्मिल करके ऑक्साइड बना देते हैं, आयरन ऑक्साइड, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है, संक्षारण हो जाता है। इसलिए हमें पेंट करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए उसमें, तरह तरह की है। तो ये को पढ़ लीजिएगा डिटेल समझने में। तेल और सभी तो खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये इतना है कि नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आपको दूषित चीज़ों से, ऑक्सीजन से अच्छी शुद्धि प्राप्त करता है। संक्षारण और विकृत गंधिता, संक्षारण आपका जंग लगना कहलाता है, जिससे कि आप जानते हैं नमी और वायु से धीरे धीरे क्रिया करके ये आपका ऑक्साइड बना लेता है, इसे संक्षारण कहलाते हैं, अब ये विनाश करता है। इसी तरह विकृत गंधिका भी है, विकृत गंधिका आपका इधर आपको दिखाई देगा, इधर हम दिखा दे रहे हैं, ये विकृत गंधिका है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। विकृत गंधिका खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के उपचयन के कारण खाद्य पदार्थों का स्वाद गंध में बदल जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थों का स्वाद जो गंध में बदल जाता है, ये विकृत गंधिका है। तो इस तरह से आपका ये था विकृत गंधिका रोकने के उपाय हैं, कुछ उपाय भी पढ़ लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन थे और यही था आज का क्वेश्चन, इतना। तो अगर आपको वीडियो ज़्यादा सभी अच्छा लगा, आपके घर वालों, आपके किसी भी बच्चे के लिए अगर लाभदायक हो तो वीडियो को जरूर दिखा दिए। इतने क्वेश्चन पहले पार्ट में से, इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन में से आना है, नहीं तो नहीं आएगा। और आगे भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी, हर एक सब्जेक्ट की लेकर आएंगे। और मोबाइल और कंप्यूटर से वीडियो भी लेकर आते रहते हैं, कुछ टेक्निकल वीडियो, कुछ एडिटिंग वीडियो, कुछ मल्टी वीडियो आपको सभी भी तबका की वीडियो मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता हो तो, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, ओके, जैसा आपकी इच्छा हो, लेकिन आप कुछ